पंचायती राज महासंघ हिमाचल प्रदेश द्वारा मंडी के राजमहल होटल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पंचायती राज महासंघ की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष समस्त समस्याओं को रखा जाएगा ताकि वे इन समस्याओं का हल कर सके। प्रदेश संयोजक बीरबल शर्मा ने कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य सभी दिग्गज नेताओं का आभार प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि मंडी जिला से जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज महासंघ की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई ताकि समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज महासंघ के सदस्यों को पेंशन भत्ता दिया जाए। साथ ही कहा कि ये मांग काफी अरसे से चली आ रही है लेकिन इसे आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पंचायती राज महासंघ के सदस्यों को हेल्थ कार्ड भी बनाए जाएं। पंचायती राज महासंघ का प्रदेश की मीटिंग राजमहल में आज हुई जिसमें अपने प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष देश के का धन्यवाद किया कि उन्होंने मंडी को प्राथमिकता दे करके और मंडी का सीएम बनाया। तो जयराम जी को बहुत बहुत बधाई, मंडी को बहुत बहुत बधाई। और ये पंचायती राज महासंघ ये कोशिश करेगा कि सीएम साहब से तालमेल बैठा के पंचायती राज महासंघ की मांगे जो है मनवाई जाए। आज तक ये जब पंचायत मंत्री से तभी इनसे मांग की गई थी पेंशन की, आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि पंचायत के प्रतिनिधि हैं उन्हें पेंशन दी जाए, उन्हें भत्ता दिया जाए, जो मेडिकल भत्ता दिया जाए ताकि उनका इलाज वगैरह सब हो सके। तो आज हम एक बार पुनः देश के अध्यक्ष में बीजेपी के उनका धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मंडी को प्राथमिकता देकर के मंडी का सीएम बनाया। और एक बार पुनः श्री जयराम जी को मुबारकबाद देते हैं कि वो मंडी का प्रतिनिधि हैं और वो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे, और वो पंचायती राज महासंघ के सदस्यों का ध्यान रखेंगे और उन्हें वो देंगे जो वो मांग रहे हैं। हमने बार बार डिमांड की है कि पंचायती राज महासंघ के सदस्यों को पेंशन दी जाए, पंचायती राज महासंघ के सदस्यों को मेडिकल भत्ता दिया जाए और उनका कार्ड बनवाया जाए, हेल्थ कार्ड बनवाया जाए। वहीं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल ने जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने सभी शीर्ष नेताओं का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा बहुमत से सत्ता में आई है और मंडी जिला से मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज महासंघ द्वारा पिछली सरकार ने उनकी कोई भी मांग की सुनवाई नहीं हुई है, अब वे नई सरकार के समक्ष अपनी समस्त मांगों को रखेंगे। हम जो है भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर जी उनको बधाई देते हैं, तथा जो शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ जी और शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल जी और श्री अनुराग जी, तथा हमारे प्रदेश के जो मंडी जिला से एमपी हमारे रामस्वरूप जी, जिन्होंने 17 में से 13 सीटा भारतीय जनता पार्टी को जीत में हासिल दी है, तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। तथा जो हमारे शीर्ष कार्यकर्ता, नेता से ज्यादा तो शीर्ष कार्यकर्ता होता है जो पार्टी का झंडा और डंडा उठाते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बारंबार ठाकुर जयराम जी को जिता करके हिमाचल की शान बनाया, हमारी मंडी की शान बनी, हमारे मंडी का एक मुख्यमंत्री नहीं, हम सब लोग अपनी मंडी के एक मुख्यमंत्री की शान के बतौर हम सब अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। और हमारी जो मांगे हैं तो हमारी मांगे जो पिछली सरकार ने नहीं सुनी, तो हम अपनी मांगों को नई सरकार के समक्ष में रखेंगे। जिस सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी उसका सफाया हो चुका, क्योंकि हम सरकार से बारंबार मांग करते थे कि पंचायती राज महासंघ एक ऐसा संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होती है वो पंचायतों के द्वारा होती है। तो हमारा निवेदन है कि पंचायती राज विभाग में मंत्री भी अच्छा बनाया जाए और मंत्री ऐसा हो जो पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को भी सुने और ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसका भी विशेष ध्यान दें। और